Hey everyone, welcome back to my channel. Guys, सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इतने दिनों तक यानी बहुत ज़्यादा लंबे गैप के बाद मैं दोबारा से इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ. कुछ इश्यूज की वजह से मैं इतने दिन तक वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई, लेकिन अब से आई प्रॉमिस इस चैनल पर टाइम टू टाइम मोस्ट एंटरटेनिंग हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. दोस्तों, बचपन में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं जो कि हमें हमारी दादा दादी या फिर नाना नानी सुनाया करते थे. वो कहानियाँ मज़ेदार होती थी और साथ में बहुत ज़्यादा डरावनी भी लगती थी. और ऐसी ही कुछ मूवीज़ भी थी जिन्हें देखकर हमारा बचपन थोड़ा डरावना और थोड़ा मज़ेदार बीता है. बचपन में जिन मूवीज़ को देखकर या फिर जिन स्टोरीज़ को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, बड़े होने के बाद हमें शायद ही उन सेम मूवीज़ या फिर सेम स्टोरीज से इतना डर लगता होगा. लेकिन बचपन में हमें उन्हें सुनने में, ऐसी मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता था. अगर आप भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज़ के फ़ैन हैं तो आपने भी टेके टेके, कुछ ऐसा की होना और ब्लडी मैरी जैसी अर्बन लेजेंड के बारे में ज़रूर सुना होगा. लेकिन बचपन में हम में से बहुत कम लोग होंगे जिनको अर्बन लेजेंड जैसे इन चीज़ों के बारे में पता होगा. अक्सर हमारी दादा दादी या फिर नाना नानी हमें सिर्फ लोकल स्टोरीज सुनाया करते थे, हालांकि उनमें से कुछ अर्बन लेजेंड भी हो सकते हैं. दोस्तों, अगर आप पहले से ही हॉरर मूवीज़ या स्टोरीज के फैन रहे हैं तो डेफिनेटली आपने कालो नाम की मूवी ज़रूर देखी होगी जो कि 2010 में रिलीज हुई थी. और अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये भी याद आया होगा कि इस मूवी में जो डायन थी कालो नाम की या फिर यूं कहीं चुड़ैल, तो उसे देखकर हम मूवी में बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे. और मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो ये वाली मूवी मैंने बचपन में बहुत बार देखी है और मैं जितनी बार देखती थी मुझे उतना ही ज़्यादा डर लगता था और मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लगती थी. लेकिन उस वक्त तक मुझे ये पता नहीं था कि ये मूवी रियल स्टोरी पर बनी है. हो गए ना आप भी सुन के शॉक्ड? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. सो कालो बेसिकली राजस्थान का एक अर्बन लेजेंड है जो कि कुलभाटा गाँव से जुड़ा हुआ था. ऐसा कहा जाता है कि 18th सेंचुरी में कुलभाटा गांव में एक कालो नाम की डायन हुआ करती थी, जो कि थी तो एक औरत थी, लेकिन उसको तंत्र विद्या और जादू टोना करना बहुत अच्छे से आता था और वो उसमें एक्सपर्ट बन चुकी थी. वो इसमें इतनी एक्सपर्ट हो चुकी थी कि वो कुलभाटा गांव की कुंवारी लड़कियों को किडनैप करके उनकी बलि देती थी सिर्फ खुद को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए. ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि काले जादू से आप किसी की बलि देकर खुद को हमेशा के लिए जवान या फिर खूबसूरत रख सकते हो. ये बात सुनने में इतनी ज़्यादा क्रीपी है और जिन लोगों पे उस वक्त ये बीत रही थी उनका क्या हाल हो रहा होगा. आए दिन कुलभाटा गांव से कोई ना कोई जवान लड़की गायब हो जा रही थी, लेकिन लोगों को पूरा पूरा शक कालू के ऊपर था. उनको पता था कि उनकी लड़कियों को गायब करने की वजह सिर्फ कालू है. कुलभाटा गांव में कालू का इतना ज़्यादा खौफ हो गया था कि लोगों ने अपनी जवान लड़कियों को घर से बाहर निकालना बंद कर दिया था. वो उनको चार दीवारी के अंदर ही रखते थे. वो ना तो बाहर खेल सकती थी ना ही कुछ और काम कर सकती थी. उन्हें दिन भर और रात में सिर्फ अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही रहना होता था, जिससे वो लड़कियाँ तो परेशान थी ही, साथ में घर वाले भी परेशान थे. और वो जल्द से जल्द उस डायन से छुटकारा चाहते थे. असली दहशत का सिलसिला तो तब शुरू होता है जब घरों के अंदर से ही यानी कि अपने घर के अंदर से ही लड़कियां गायब होना शुरू हो गई. तब लोगों को समझ में आ गया था कि कालू से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है. इसलिए एक दिन कुलभाटा गांव के सभी लोगों ने मिलकर अपने गाँव में एक ओझा यानी कि एक तांत्रिक को बुलाया. उन तांत्रिक को बुलाने के बाद उन्होंने सारी प्रॉब्लम उनको बताई. तांत्रिक ने सारी बात सुनने के बाद उनसे कहा कि ये डायन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसे वश में करना नामुमकिन है. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कालू को जिंदा दफना देंगे और उन्होंने ठीक ऐसे ही किया. उन्होंने कुछ ना कुछ करके कालू को गांव के अंदर बुलाया और उसे साजिश करके वहीं रेगिस्तान के बीचों बीच दफना दिया और कुलभाटा गाँव को कालू से मुक्ति मिल गई. कालू को जिंदा दफनाने के बाद कुलभाटा गांव में अब शांति का माहौल था. उस वक्त कुलभाटा गांव के लोगों को ऐसे ही लगा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था. लेकिन एक दिन फिर से अचानक मौत का वही सिलसिला शुरू हो गया. असल में कालू का आतंक तो अब शुरू होने वाला था.
पहले तो गांव से सिर्फ कुंवारी लड़कियां गायब होती थी, लेकिन अब गांव से बूढ़े बच्चे जवान आए दिन गायब होने लगे बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से। लोगों को पहले समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कर कौन रहा है, क्योंकि जो पहले कर रहा था उसको तो वो जिंदा जमीन में दफन कर चुके थे। लेकिन जिस तांत्रिक ने कालू को जिंदा दफन किया था उसी ने गाँव वालों को बताया कि ये सब चीजें कालू ही कर रही है। गाँव वाले हैरान थे कि उसको तो वो जिंदा दफना चुके हैं, तो कालू वापस कैसे आ सकती है। तब तांत्रिक उन्हें बताते हैं कि कालू का सिर्फ शरीर मरा है, उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है और अब तो वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और पहले से ज्यादा खतरनाक भी। तो तुम लोगों को पहले उससे इतना खतरा नहीं था जितना कि अब है, तो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस गांव को छोड़कर तो तुम्हें रातों रात इस गांव को खाली करना होगा और अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर रहना पड़ेगा। और उस वक्त कुलभाटा गांव के सभी लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि उस तांत्रिक ने उनसे करने को कहा। उस रात कुलभाटा गांव में कुलधरा गांव की हिस्ट्री रिपीट हुई और रातों रात पूरा कुलभाटा गांव खाली हो गया। सब लोग उस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने चले गए और वो पूरा कुलभाटा गांव हमेशा के लिए सुनसान हो गया। ऐसा कहा जाता है कि आज तक वो गांव खंडर पड़ा हुआ है। कुलभाटा गांव को जाने वाले सभी रास्ते आज तक बंद है और किसी ने भी उन्हें खोला नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है ऐसी चीजों के बारे में जानने की, और तब से लेकर आज तक बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने वहां जाने की कोशिश की और ये देखने की कोशिश की कि आखिर कुलभाटा गांव के भूतिया होने की सच्चाई किस हद तक सच है, किस हद तक सच है। लेकिन स्थानीय लोगों का ये मानना है कि आज तक जितने भी लोग वहां पर गए वो कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना भी है कि वहाँ पर कुछ लोग अपना अवैध काम करते हैं। जो लोग भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं वो उसी गिरोह में बाद में शामिल हो जाते हैं और अपने अवैध कामों को अंजाम देते हैं। शायद फोर्सफुली उनसे ये करवाया जाता होगा अगर इस बात में सच्चाई है तो। अभी कोई नहीं जानता कि वो जगह भूतिया है या वहाँ पर अवैध काम होते हैं। और स्थानीय लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर जो भी लोग ये अवैध काम करते हैं उन्होंने इस कालो नाम की भूतिया कहानी को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया ताकि लोग डर के मारे वहाँ आना ही बंद कर दें और वो चुपचाप अपने काम को अंजाम दे सके। अब कुलभाटा गांव भूतिया है या नहीं ये तो पूरे तरीके से कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ ये कहानी बहुत टाइम से वहाँ की फेमस हॉरर स्टोरी है। सो गाइस ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही हॉरर स्पाइन चिलिंग स्टोरी के साथ।